everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain from Maths with Knowledge through question number 3 of exercise 5.6 and we have name each of the following triangles in two different ways. आपको triangles given है और आपको ये बताना है कि दो तरीके होते हैं classification के triangle के, एक तो side के base पे और दूसरा angle के base पे, right? You may judge the nature of the angle by observation और ये हमको observe करके बिना measurement के बताना है, ठीक है? तो one by one करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ये ट्रायंगल जिसमें 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. पहले हम साइड्स के बेस पे देखते हैं, तो साइड के बेस पे अगर हम देखें तो दो साइड इक्वल है और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, वो हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, सो वी विल राइट इट एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसके बाद एंगल के बेस पे देखें, एंगल के बेस पे अब ये देखो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ये कैसे पता, जब ये अगर मैं इसको एक्सटेंड यहां पे करूं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करूं, ठीक है, तो ये मेरा यहां से यहां तक 90 डिग्री का है, राइट, बट ये है कम है 90 से, दैट मींस कि ये एक्यूट एंगल है. इसी तरीके से मुझे 90 डिग्री का यहां बनाना है, ठीक, तो यहां से यहां तक ये 90 का होगा, बट ये तो इतना ही पोर्शन है तो ये अगेन 90 से कम है. अगेन इसमें देखो मैं एक्सटेंड कर रही हूं यहां से यहां तक 90 है, बट ये 90 से कम है. और जब हमारे तीनों एक्यूट एंगल होते हैं तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, सारे एक्यूट एंगल होते हैं. सो दिस इज आवर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ बी पार्ट करते हैं. अब बी पार्ट में आप देखो साइड्स के अकॉर्डिंग तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों साइड अलग हैं और जब तीनों साइड डिफरेंट होती है तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल. अब आती है बात एंगल के बेस पे. एंगल के में देखो ये एक 90 डिग्री का एंगल आपको गिवन है. एक राइट एंगल जब होता है हमारे पास ट्रायंगल में तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो हमें साइड के बेस पे और उसके बेस पे एंगल के बेस पे दोनों पे किया. नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू अदर पार्ट. अब सी पार्ट में आप अगेन सबसे पहले हम साइड के बेस पे देखते हैं. साइड के बेस पे देखो दो साइड इक्वल दी हुई है, थर्ड साइड आपको गिवन नहीं है तो हम जो दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. तो दो साइड अगर इक्वल है तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो दिस इज आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, अब हमें करना है एंगल के बेस पे. अब ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, आप ध्यान से देखो. अब ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है. कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल हमारा ऐसे होगा, ठीक है, यहां से यहां तक ये बेस है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, जब मैं इसे और खोलना है, ठीक है, ये मेरा हाथ और खोल रहा है. जब कभी कंफ्यूजन हो तो बेस पे इस तरीके से हाथ रखो और ये 90 डिग्री का एंगल देखो, सीधा ऐसे 90 डिग्री का एंगल और उसके बाद हाथ हमारा ऐसे खुल रहा है. जब हमारा खुलता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है और जब हमारा हाथ इस वाले हाथ के दूसरे हाथ के और पास में आता है तो वो हमारे एक्यूट एंगल बने जाते हैं. 90 ऑब्ट्यूज एक्यूट, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट में अगेन दो साइड्स इक्वल हैं. साइड्स के बेस पे देखा जाए तो दो साइड्स इक्वल है तो कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसके बाद आपको एक 90 डिग्री का गिवन है, यानी कि एक राइट एंगल है और अगर एक राइट एंगल होता है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है. सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. So this was the D part. Now moving to the next part. Now coming to other parts. So E part में आप देखिए तीनों sides equal हैं. ये भी 5.2 सेंटीमीटर की, ये भी 5.2 की और ये भी 5.2 सेंटीमीटर की. और जब हमारी सारी sides equal होती हैं तो वो हमारा कौन सा triangle होता है? That is equilateral triangle, जिसमें सारी sides
इक्वल होती हैं. सो दिस इज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, उसके बाद एंगल के बेस पे देखा जाए. अब देखो एंगल के बेस पे अगर हम देखें तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, ये भी हमारा एक्यूट है, ये भी हमारा एक्यूट है. कैसे? अगेन इसको अगर मैं 90 डिग्री का ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री मेरा यहां बनेगा. ठीक है, अगेन ये 90 डिग्री इतना है, ऐसे बेस बनाएंगे हम. ठीक है, 90 डिग्री हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे अंदर जा रहा है, मेरे हाथ के इस वाले हाथ के पास जा रहा है. तो ये मेरा कौन सा हुआ? एक्यूट एंगल हुआ. अगेन इधर से भी अगर मैं 90 डिग्री एक्सटेंड करूं तो ये 90, बट ये 90 के पास ऐसे जा रहा है, 90 से अंदर जा रहा है, तो मेरा एक्यूट एंगल है. इसी तरीके से इसको, तो ये मेरा कौन सा होगा जब सारे एक्यूट एंगल है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके, थर्ड लास्ट पार्ट में 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों साइड ही अलग है. और जब तीनों अलग होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल. ओके, अब आती है एंगल की बारी. अब देखो एंगल कौन सा है? ये ऑब्ट्यूज एंगल. कैसे? 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा? 90 डिग्री का ऐसे होगा. ठीक है, ये यहां से यहां तक, बट ये उससे और बड़ा हो रहा है. नहीं तो आप हाथ लगा के देख सकते हो, ये मेरा बेस हुआ. ठीक है, जैसे ऐसे बन रहा है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल, मेरा हाथ और खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा, और खुल रहा है. जब और खुलता है तो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है. और जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है ट्रायंगल में, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ओके, सो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, बाय बाय.